नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 28 अक्टूबर शुक्रवार शाम का बुलेटिन। आइए देखते हैं शहर की अब तक की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं पहचान रिहैब। दिवाली पर एक परिवार की खुशियों पर ग्रहण लग गया। 10 साल के बच्चे ने माँ से बम फोड़ने के लिए ग्लास मांगा, माँ ने मना किया तो वह दूसरे के यहाँ से ग्लास ले आया और बम फोड़ दिया, जिससे ग्लास का फटा टुकड़ा बच्चे की गर्दन में जा फंसा, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। शहर में 24 खंबा मार्ग पर कहारवाड़ी मोहल्ला में अशोक कहार परिवार के साथ रहते हैं। अशोक प्राइवेट काम करते हैं। उनका 10 साल का बेटा ऋतिक कहार है। मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे घर पर मां अंदर काम कर रही थी और ऋतिक बाहर खेल रहा था। पिता किसी काम से शिप्रा नदी के राम घाट पर गए थे। कुछ देर में बम फटने की आवाज आई। पता चला कि ऋतिक के गले में स्टील का टुकड़ा फंस गया है, जिससे वो बेसुध हो चुका है। माँ दौड़कर बाहर आई। पड़ोसियों की मदद से उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे के पिता शिप्रा नदी पर काम करते हैं। बेटे को बम दिलाने के लिए परिवार के पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह बम और स्टील का ग्लास कहां से लाया ये पता नहीं चल सका है। मृतक चौथी कक्षा का छात्र था। घटना का पता चलते ही परिवार वाले घबरा गए। कुछ देर तो समझ ही नहीं आया। पहले उसे सिविल अस्पताल लेकर आए, यहाँ मना कर दिया तो अलग अलग प्राइवेट अस्पताल लेकर गए। यहाँ भी मना करने के बाद जिला अस्पताल लेकर आए, जहाँ बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। पड़ोसियों ने बताया कि ऋतिक ने बम फोड़ने के लिए माँ से ग्लास मांगा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बावजूद ऋतिक बाहर चला गया। कुछ देर बाद बम फूटने की आवाज और अफरा तफरी मची तो घटना का पता चला। ऋतिक किसी और जगह से ग्लास लेकर आया था। उसने बम पर स्टील का ग्लास रख दिया। जब बम फूटा तो ग्लास के टुकड़े बिखर गए। एक टुकड़ा बच्चे की गर्दन में धस गया। जमा कर देता हूं। क्या घटनाक्रम हुआ था? घटना ये तो मैं घाट से आया, यहाँ पर पता चला कि उसने बम रखा ग्लास के अंदर। बम फटने से उसके गले में लगने से इसकी मौत इस पार्ट पे बता रहे थे कि वहीं गिर के और अस्पताल गया मैं तो वहाँ पे मेरे को डॉक्टर साहब ने हाथ में दिया, बोले मारा हो पाया। तेरे लिए सब कुछ करूँ, मेरे हम गरीब हैं, इसके पापा 200-300 रुपए लाते हैं, इसमें गुजारा करते हैं हम, और हम बहुत गरीब किराए के मकान में रहते हैं, हम किराया देते 2000 के महीने और कुछ भी नहीं। महाकाल लोक का निर्माण जितना भव्य तरीके से किया गया है, उस पर यहाँ आने वाले वाहन मालिक बदनुमा दाग लगा रहे हैं। ये ना सिर्फ गलत जगह पर वाहन पार्क कर रहे, बल्कि वहाँ तैनात कर्मचारियों के मना करने के बावजूद उनसे हुज्जत करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ठेले वालों ने तो यहाँ चौपाटी बना ली है। दरअसल महाकाल लोक के बाहर वाहनों की पार्किंग के लिए जगह निर्धारित है, जहां दो एवं चौपहिया वाहन पार्क किए जा सकते हैं। दीपावली की छुट्टियों के चलते इन दिनों महाकाल लोक को निहारने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में पार्किंग के फुल होते ही ड्रेनेज लाइन के लिए लगाई गई जालियों पर ही वाहन खड़े किए जा रहे हैं, जिससे जालियों को नुकसान हो रहा है। यही नहीं, दोपहिया वाहनों की पार्किंग में भी कारें खड़ी की जा रही हैं। जब कर्मचारी उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं तो कई बार वाहन मालिक विवाद पर उतारू हो जाते हैं। रही सही कसर ठेले वालों ने पूरी कर दी है। उन्होंने महाकाल लोक की दीवार और पार्किंग के बीच चौपाटी बना ली है। यहाँ लेमन सोडा, पानी पूरी और अन्य नाश्ते की दुकान लग रही है। ऐसे में जिम्मेदारों का भी इस और कोई ध्यान नहीं है, जबकि उन्हें शहर को मिली सौगात को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम पहले ही दिन उठा लेने चाहिए थे। मुनिनगर स्थित वीर सावरकर मार्केट में स्थित एक किराना दुकान में आग लग गई। आग की इस घटना में 1,00,000 रुपए कीमत का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि दिवाली की वजह से बालाजी किराना स्टोर 3 दिन पहले महालक्ष्मी पूजन के बाद मंगल किया गया था। इस दौरान सूर्य ग्रहण, धोक पड़वा और भाई दूज के कारण दुकान नहीं खोली गई। शुक्रवार को दुकान संचालक मनीष मोदी जब पहुंचे तो काउंटर जला हुआ था, अंदर का सामान भी जला हुआ था। करीब 1,00,000 रुपए कीमत का सामान आग में खाक हो चुका था। चूँकि दुकान
तीन दिनों से बंद थी, इसलिए ये पता नहीं चल सका कि आग कब लगी थी। ये मैं दिवाली के दिन दोपहर में मैंने पूजा की और पूजा करने के बाद रात तक मैंने दुकान खुली रखी थी। रात में मैं दुकान मंगल करके गया, उसके बाद से दुकान मैंने खोली नहीं और आज आया हूँ तो आज ये दुकान मुझे जली हुई दिखी थी। अंदर सारा सामान जल चुका है इसमें। कितने का सामान जला हुआ? लगभग 1-2 लाख का नुकसान हुआ है। क्या क्या सामान जला? काउंटर पूरा जल गया, बाकी जो सामान है शैम्पू वैम्पू है, तेल की पेटियां है, 3-4 पेटियां रखी थी आगे, वो पूरी जल चुकी। पाटीदार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 15 वर्षों का विश्वास। उज्जैन में 200 बेड का एकमात्र NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल, जहां है ICU, NICU, CT स्कैन, ट्रॉमा यूनिट, 24 घंटे सुपर स्पेशलिटी OPD की सुविधा, हृदय रोगियों के लिए कार्डिक कैथ लैब, और शहर का सबसे बड़ा कार्डिक ICU, जहां आप पाएंगे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक की सुविधा, किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस सुविधा, न्यूरो सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, एंडोस्कोपी, एक्सीडेंटल सर्जरी की उच्च स्तरीय चिकित्सा दूरबीन पद्धति से। हमारा पता 12 शिपनक मार्ग, घास मंडी चौराहा, उज्जैन। संपर्क करें 07344771000 या फिर 4030003। निलंबित कार्यपालन यंत्री पीयूष भार्गव के खिलाफ नगर निगम के कर्मचारी नेता मनसुख मेहरवाल ने निगमायुक्त रोशन कुमार सिंह और महापौर मुकेश रटवाल को शिकायत पत्र भेजा है। इसमें 38 गायब प्रकरणों की फाइल पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। सेवानिवृत्त कर्मचारी नगर पालिक निगम संघ के उपाध्यक्ष मनसुख मेहरवाल ने शिकायत पत्र में निवेदन किया कि कार्यपालन यंत्री पीयूष भार्गव ने तत्कालीन आयुक्त महेश चंद्र चौधरी व अन्य इंजीनियरों के फर्जी हस्ताक्षर किए थे। इस मामले में फाइलों में कुछ रचना करके नगर निगम को नुकसान पहुंचाया गया है। पत्र में ये भी लिखा है कि पीयूष भार्गव अधिकारियों को भ्रामक जानकारी देकर अपनी बहाली कराने के लिए प्रयासरत है। इस स्थिति में पुराने प्रकरणों की जांच पर काम करना चाहिए। आइए इस संबंध में मनसुख मेहरवाल से ही जानते हैं पूरा मसला। 38 प्रकरण जो है वो गायब है यहाँ से, जिसमें बहुत सारे त्रुटियाँ हैं और वो प्रकरणों के अंदर ही कार्रवाई होना है। हमारे एक कर्मचारी था जगदीश करके गैंगमैन, उसको इन्होंने संध्या सांवरिया करके एक महिला थी जो अकाउंट में थी, उसके बाद में फिर जवाहरलाल नेहरू योजना के अंतर्गत चले गई और उसके कहने से जगदीश करके उसकी मौसी के यहाँ इंदौर भेजा था कार्यक्रम करने के लिए, तो वो पुताई के लिए भेजा था। जब वो निसरने से गिर गया तो गिरने के बाद में उन्होंने उसको, उसके ज़्यादा स्थिति खराब हो गई तो उन्होंने उसके घर पे वाले ले जाकर उसमें पटक दिया तो उसकी मृत्यु हो गई। उसके खिलाफ़ FIR दर्ज हुई तो पीयूष भार्गव ने और उस टाइम अपर आयुक्त तो थे, क्या नाम था, उनने उस केस को रफा दफा करने की कार्रवाई कर दी। अभी आपने शिकायत की, इसमें क्या तथ्य प्रस्तुत किए और क्या मांग की? मैंने महेश चौधरी के बयान की कॉपी दी है, जिसमें उन्होंने लोक आयुक्त को जो बयान दिए कि हस्ताक्षर मेरे नहीं है जी। और अरुण जैन के भी बयान में लिखा है, उन्हें कोतवाली में FIR दर्ज करवाने की कार्रवाई की, उसकी भी एक प्रतिलिपि मैंने साथ में संलग्न करके दी है। लगभग 500 शिकायतें होने की भी आपने बात कही है इनके खिलाफ? हाँ, तो करिए ना, उसमें सारे तथ्य दे दिए नहीं मैंने जी। पूरे तथ्य दिए हैं उसके खिलाफ, कोर्ट में कितने प्रकरण चल रहे हैं, उसके प्रकरण नंबर वगैरह सब कंप्लीट करके दिए उसमें। क्या मांग कर रहे हैं? मैं तो ये मांग कर रहा हूँ कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और जो प्रकरण चल रहे हैं, जैसे भोपाल में उन्होंने लोक आयुक्त से अपना प्रकरण समाप्त करवा दिया जबकि वो प्रकरण समाप्त ही नहीं हुआ जी। उसको पूरी हवा बना करके दिया कि मेरा प्रकरण समाप्त हो गया। अभी सूचना के अधिकार क्षेत्र में अपन ने उनसे जानकारी मांगी है भोपाल वालों से, तो 8-15 दिन में सूचना के अधिकार क्षेत्र की जानकारी आ जाएगी, उसके बाद आगे कार्रवाई के लिए हम कोर्ट के अंदर केस चल रहे हैं उसमें लगाएंगे। आपका नाम बता दें? मेरा नाम मनसुख मेहरवाल है, मैं उपाध्यक्ष है पेंशन नगर पालिका निगम उज्जैन में। हरी फाटक ओवर ब्रिज के नीचे स्थित A1 होटल को शुक्रवार को तोड़ दिया गया। यह निर्माण बगैर अनुमति के किया गया था।
हरी फाटक ओवर ब्रिज के नीचे बने A1 होटल को हटाने के लिए 2 महीने पहले इसके मालिक मोहम्मद सलीम पिता अब्दुल गफ्फार को नगर निगम ने नोटिस जारी किया था। इसका जवाब भी सलीम ने दे दिया था। शुक्रवार को नगर निगम की टीम पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंची और निर्माण तोड़ डाला। तोड़े गए निर्माण में एक शेड भी शामिल था, इसे भी ढहा दिया गया है। शेड मालिक मोहम्मद सलीम शाह ने बताया कि उनका निर्माण अवैध नहीं था, ना ही यह वाहन पार्किंग में दिक्कत पैदा कर रहा था, बावजूद इसके शेड हटा दिया गया है। निर्माण हटाने के संबंध में मोहम्मद सलीम ने बताया, जब बनाया था जब नगर निगम से अनुमति मांगी थी, लेकिन नगर निगम ने ये बोल के टाल दिया कि वहाँ कोई अनुमति नहीं है, सभी अवैध बने हुए हैं, और हमने भी हमारी जरूरत के एतबार से रहने के हिसाब से बना लिया था। फिर 2 महीने पहले नोटिस दिया कि ये तुम्हारा अवैध निर्माण है, तो मैंने जो है वकील साहब से लिखवा के और एक उसका जवाब दिया कि भाई ये मैंने जो परमिशन मांगी थी आपने दी नहीं, आप मुझे परमिशन देते, जो भी हर्जाना होगा, जो भी उसका कैलेंट्री होगी, मैं भर दूंगा। और उसके बाद नगर निगम ने मुझे कुछ बोला नहीं, कोई उसके बाद कुछ बताया भी नहीं, 2 महीने 2.5 महीने होगा। अगर वो फिर नोटिस देते तो शायद मैं अपनी चीज़ को बचा लेता। हम लोगों को मिला कि आपके पास एक ही नोटिस आया है? मेरे पास एक ही नोटिस आया था, 2 महीने पहले आया था, उसका मैं जवाब दे चुका था। उन्होंने जो कागज़ मांगे, नामांतरण है, रजिस्ट्री है, ये है, वो सब दे दिया अपन ने, जो जो था, है ना, चेन डॉक्यूमेंट भी है इसका, वो भी दे दिया। लेकिन वो अवैध निर्माण बता रहे थे। अब ना अवैध निर्माण में तो पूरी बस्ती अवैध निर्माण था, अभी है ना, मैंने भी परमिशन मांगी थी, लेकिन परमिशन दी नहीं उस वक्त, नहीं दी, और बोला कि ठीक है भाई, मैंने अपने ज़रूरत के एतबार से बना लिया। अब बना तो लिया, लेकिन वो आज मेरे को जो है, आज भी कोई नोटिस नहीं दिया स्पेशल मेरे को ही कार्रवाई करी गई भाई, कोई पूरी बस्ती अवैध है, लेकिन स्पेशल मेरे ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो ये मेरे लिए थोड़ा बड़ा शोक, बड़ा गम का विषय, तकलीफ हो रही है कि भाई मेरे को ये अकेले को क्यों। इस संबंध में शेड मालिक मोहम्मद सलीम शाह ने बताया, जो भी कहाँ कार्रवाई हो रही है, गलत हो रही है। आज मेरा शेड था, मैंने तो खोल लिया, मन जो मेरे भाई हैं सलीम भाई, आज इतने टाइम से बना हुआ था, जब से कोई इनको तकलीफ नहीं थी। 5 साल पहले से बना हुआ था, 5 साल पहले नगर निगम भी गए, भाई ने काफ़ी खर्चा भी करा पैसा वगैरह में, जिनका नुकसान हुआ, मेरा नुकसान तो क्या, 3 सेट था, अल्लाह का शुक्र खुला खाली हो गया। अपन आज मेरे भाई के साथ जो हो रही है बहुत गलत हो रही है, और आज जो ये तोड़ आए, ये तोड़ता हुआ उनको लग रहा है कि ये मकान अवैध है, इसके आगे आप लाइन में जाएंगे तो अभी भी अवैध निर्माण हो रहा है। जहाँ पर मेन पार्किंग बनी है उसके सामने पक्के मकान बन रहे हैं, 3 सेट बन रहे हैं, जैसा मेरा 3 सेट था वो तोड़ के उन्होंने हटा दिया, जबकि यहाँ ज़रूरत नहीं है बहुत गाड़ी की। जो मंदिर की जगह है, जो साइकिल स्टैंड है, जो भी पार्किंग बनाई है मंदिर समिति ने, वो आगे है, और वहाँ पर ज़रूरत है छोड़ीकरण की, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं हो रही। तो हम पुल के नीचे साइड में एक तरफ, यहाँ तो कचरा फेंकता है, कचरा फेंकता है, कचरे के अंदर हमारे रजिस्ट्री है, नामांतरण है, डाइवर्सन के लिए भी सलीम भाई ने हम दो ही गए थे, उसके बाद में आपको निर्माण की अनुमति नहीं दी गई, निर्माण की अनुमति नहीं दी गई, और उस कारण आज हमारा जो भी मैंने 2.5-3 लाख रुपए लगाए थे वो चादर से इन्होंने JCP से बिल्कुल उसको नेक्स्ट टेस्ट करके तोड़ दिया। निर्माण के संबंध में नगर निगम के भवन अधिकारी लीलाधर दोराया ने बताया, सर ये क्या है, अवैध निर्माण है, बिना अनुमति निर्माण कार्य है, इनको 3 साल से नोटिस जारी किया था और 4 सत्र नोटिस जारी किया गया, लेकिन पुलिस फोर्स बीच में महाकाल लोक के लोकार्पण के चक्कर में काम चल रहा था, इसलिए पुलिस बल नहीं मिला, आज इस पर कार्रवाई की गई। इस पर कितना निर्माण है और क्या नाम इनका है? ये A1 होटल के नाम से था, पर एक शेड था इधर पास में। क्या नाम था इनका, निर्माण है किस तरीके से? सलीम मोहम्मद अजारे। बहरहाल 5 साल पहले बने A1 होटल को उस समय अनुमति क्यों नहीं दी गई थी, और अगर बगैर अनुमति के होटल संचालक ने निर्माण कर लिया था तो अब तक नगर निगम सो क्यों रहा था, उसने उसे बनते समय ही हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं की थी, ये सवाल निगम की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाता है। नगर निगम द्वारा जिला अस्पताल परिसर में चलाए जा रहे दीन दयाल रसोई केंद्र का शुक्रवार को महापौर मुकेश टटवाल ने निरीक्षण किया। उन्होंने रोटियों को छूकर देखा कि कड़क तो नहीं, इसके अलावा खाना खा रहे लोगों से पूछा कि भोजन की गुणवत्ता कैसी है, इस दौरान उन्होंने खाना भी परोसा। दरअसल नगर निगम द्वारा शहर में जरूरतमंदों के लिए निशुल्क दीन दयाल रसोई योजना संचालित की जाती है। शुक्रवार को महापौर मुकेश टटवाल ने सिविल हॉस्पिटल परिसर के पीछे स्थित दीन दयाल रसोई केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने स्व सहायता समूह की महिलाओं को कहा कि जो भी भोजन करने आए सबसे पहले उन्हें जय श्री महाकाल का उद्घोष करने के लिए कहें।
साथ ही संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि नगर निगम द्वारा चलाई जा रही इस महत्वपूर्ण योजना का व्यापक प्रचार प्रसार हो। निरीक्षण के दौरान उनके साथ राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रदीप सैन, उपेंद्र पंवार, पंकज सेठिया भी साथ थे। हनु फाइनेंस एंड सर्विस, करे अपने सपनों को साकार। हम देंगे सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन की सुविधा, सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन कम से कम ब्याज दर पर, और साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, मेडिक्लेम, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और भी बहुत सी सुविधाएं। हम बनेंगे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर, तो एक बार संपर्क जरूर करें। हमारा पता 121-14-B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001 या फिर 7247766002। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522-51432। गुलाबी ठंड दस्तक दे चुकी है, सुबह और रातें सर्द होने लगी है। तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है, जिसके चलते आगर रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर के सामने ऊनी कपड़ों का तिब्बती बाजार सजने लगा है। दुकानदार यहां अपनी अपनी दुकानें लगा रहे हैं। इसका शुभारंभ रविवार को सुबह 9 बजे से हो जाएगा, जिसके बाद शहरवासी यहां से गर्म कपड़ों की खरीदी कर सकेंगे। दरअसल हर साल चरक भवन के पास पोताला तिब्बती शरणार्थी वुलन मार्केट लगाया जाता है। यह सिलसिला पिछले 25 सालों से चला आ रहा है। दुकान लगा रहे सोनम ने बताया कि इस बार 40 दुकानें लगाई जा रही हैं, जिसमें ग्राहकों को ऊनी वस्त्रों की कई नई वैरायटियां देखने को मिलेगी। बाजार का समय सुबह 9 से रात 10 बजे तक रहेगा। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से पूरे वुलन मार्केट में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। मार्केट जो अभी हम लोग बिल्कुल जोर शोर से तैयार चल रहा है, मार्केट हम लोग शुरू करने जा रहा है कल परसों सुबह 9 बजे से। हम लोग फिर हम 2-3 महीने के लिए कंटिन्यू रहेगा मार्केट शुरू करके, परसों से शुरू हो जाएगा। किस प्रकार की तैयारी की गई व्यापारियों ने? किस इस बार तैयारी तो अच्छा है। हम लोग सामान जो है हर साल की तरह इस साल भी वैरायटी अच्छा है, जो नया नया जर्किन और नया डिज़ाइन और नया क्वालिटी सब अच्छी प्रकार की हम लोग जो है क्वालिटी ये लेकर आए इस साल भी। कितनी दुकान लगाई है इस बार आपने? यहाँ पे लगभग 40 दुकान लगाया हमने, हर साल की तरह 40 दुकान लगाया, और ये जो है 3 महीने के लिए चलेगा, लगभग फरवरी तक चलेगा, फरवरी 15 तक चलेगा। नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के समझौते के लिए जिला न्यायालय भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर के वाणी के निर्देशन और जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मंडलोई के समन्वय में बैठक आयोजित की गयी। इसमें जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार जैन ने सभी संबंधितों को मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से निराकरण के संबंध में बीमा कंपनियों के अधिकारियों एवं क्लेमेंट अधिवक्ताओं को निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से मोटर दुर्घटना से जनित स्थायी क्षति एवं मृत्यु के मामलों में संबंधित के परिवार को ध्यान में रखकर दोनों पक्षों के मध्य आपसी समझौता एवं समाधान का रास्ता निकालकर पीड़ित पक्ष को लाभ पहुंचाने का काम किया जाता है। बैठक में सुधीर मोद, सुनील व्यास, एनके तिलकर, श्री कैलाश रायकवार, अरविंद वानखेड़े, राजेश बडेरा, हेमचंद्र नाइक आदि उपस्थित थे। पाकीजा, आपका हर हुक्म सर आंखों पर, तो मनाए इस त्योहार की खुशियाँ हमारे साथ नए स्वरूप में। मेंस, विमेंस, किड्स के लिए मौजूद है ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला, फुटवेयर, वॉचेस, एक्सेसरीज, ड्रेस मटेरियल, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखे पाकीजा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी और इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ ले हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ, पुलिस वर्दी मात्र 469 रुपए में, तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हमारा पता पाकीजा 41 वराह मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन।
स्ट्राइको 10 रुपए में चले 100 किलोमीटर। जी हाँ, मात्र 10 रुपए में करें 100 किलोमीटर का सफर तय। रोज बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से पाए छुटकारा, स्ट्राइको पर आपको मिलेगी मेड इन इंदौर ई बाइक की विशाल श्रृंखला। वोल्ट, स्प्रिंट, वर्ब, कैस्ट्रा जैसे मॉडल्स सभी रंगों में है उपलब्ध। लेड एसिड बैटरी पर 1 साल और लिथियम आयन बैटरी पर 3 साल की गारंटी। डेबिट, क्रेडिट, बजाज कार्ड के साथ फाइनेंस सुविधा भी है उपलब्ध। और हाँ, सीनियर सिटीजन और महिलाओं को मिलेगा विशेष डिस्काउंट। आज ही विजिट करें हमारा पता 26/1 मॉडल स्कूल के सामने, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9131145418। तो ये था अभाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।